डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी हाउ टू राइट इन फेयर कॉपी। सबसे ऊपर चैप्टर नंबर, देन चैप्टर का नाम, पेज नंबर, डेट, देन हम जो भी शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है लिखेंगे, देन क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, देन रखेंगे कि हमेशा क्वेश्चन ब्लैक से लिखें, आंसर ब्लू से लिखेंगे। और साथ ही हमें अपनी हैंडराइटिंग पे भी फोकस करना है, हमें अपनी हैंडराइटिंग को बेस्ट पॉसिबल इम्प्रूव करना है जिससे हमारी राइटिंग अच्छी दिखे, कोई भी उसे बहुत ही आसानी से पढ़ सके। क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करते हैं, अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारे मार्क्स उस सिचुएशन में कम हो सकते हैं। सो ऑलवेज इम्प्रूव योर राइटिंग। हमें अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो टिप्स हैं वो ये है कि हम अपने वर्ड्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस रखें। अगर वर्ड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होगा तो ऑलवेज आपकी राइटिंग बेहतर दिखेगी। हमारे सभी लेटर्स का एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। अगर वो लेटर्स जैसे टी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, या डी, या फिर नीचे आने वाले लेटर्स वाई या जी, तो इन लेटर्स पर हमें खास तौर पे ध्यान देना है कि ये प्रॉपरली हम मेंशन करें। जहां पे हमारा क्वेश्चन और आंसर एंड होता है उसके बाद एक लाइन जरूर छोड़ेंगे, इससे हमारे क्वेश्चन सेपरेट होते हैं। हमारे क्वेश्चन का एक आंसर होता है और वो क्वेश्चन नंबर वन है, उसका आंसर है। उसके बाद हमारा जब क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट हो तो एक लाइन का गैप हो, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स को सेपरेट करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स बिफोर मेकिंग अ फेयर। थैंक यू।